The video made a couple of days ago entitled JNK's First Genuine Public Institution or something to that effect. If you remember, there were three people and a child also there in the office, which is located there on that first floor at the end, very end of that floor. And the whole building is known as Fahim Plaza, and it also houses the Tahsil, or what might be described in English as subdivision headquarters, including AC, Assistant Commissioner, Tahsildar, Potwaris, Gardawars, etc., etc. So I couldn't complete that clip that day because the electricity went and it was dark, and still a bit of sun there. And I have with me two of those three people, namely Matlub Gora on the left and Shoko Jalal Sahab on the right. And so today is the 1st of January 2014, and this calendar corresponds exactly with the calendar of 1947, that tumultuous year in the history of Jammu and Kashmir. So, अच्छा उस दिन जो बातें हुई थी, खैर मैंने ज़्यादा अंग्रेज़ी में की थी, लेकिन मैं आप लोगों के तासरात लेना चाह रहा था। एक दो अभी मैंने ये जिक्र किया है कि जो 1947 का जो हंगामी साल था इस रियासत की तारीख में, उसका कैलेंडर और इस 2014 का कैलेंडर एक जैसा ही है। वो साल भी बुध के दिन शुरू हुआ था, ये साल भी बुध से शुरू हो रहा है। तो आप में से जो भी पहले अपनी बात करना चाहे कि इस साल में क्या कोई हतमी फैसला होगा हमारा, क्या हमारी जो रियासत की आवाम है वो अपनी नींद से जागेंगे, क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी लेंगे, क्या वो इस रियासत की तब्दीली के लिए और इस रियासत का कौमी सवाल जो अधूरा है 60 साल, बल्कि अब चार्ट नहीं 60 साल हो रहे हैं, क्या इसका कोई हतमी फैसला होगा कि नहीं? जी शुक्रिया तनवीर साहब। पहले तो मैं सब सामेईन का, आज यकम तारीख है और नया सन है 2014, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक आपने तब्दीली की बात की है कि इस साल कोई तब्दीली होगी, मैं नहीं समझता, इसलिए कि तब्दीली उन कौमों में आती है जिनके अंदर कोई शऊर हो। तो 65 साल से हमारी इस रियासत के लोगों को जो कुछ बताया गया है, आज ये इतने पुख्ता जहन के लोग हो चुके हैं कि जो इन्हें अल्लफ पढ़ाई गई है उस अल्लफ से ये आगे नहीं निकलते। तब्दीलियाँ वहाँ होती हैं जहाँ कौम अपने आप को और अपने गिर्द का माहौल को देख के तो उनके अंदर कोई शऊर पैदा होता है, तो वो अपने मुल्क में भी फिर देखा देखी उस तरह की तब्दीलियाँ लाते हैं। लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है ये कोई अल्लाह की तरफ से ही कोई तब्दीली आए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इन इंसानों से नाउम्मीद हैं। यहाँ जो इख्तदार में लोग बैठे हुए हैं और जो इख्तदार से हट के जिनके पास कुछ अख्तियारात हैं, वो लोग तब्दीली लाना ही नहीं चाहते, वो पिछले 65 साल के आइए और पीछे जाना चाहते हैं। तो यहाँ तब्दीली जो है वो नामुमकिन है, मुझे नहीं नज़र आ रही। अगर हमने देखा है कि एक अनपढ़ आदमी पे अगर सवाल किया जाए तो जो जवाब वो देता है, आज यहाँ का कश्मीरी नौजवान जो पढ़ा लिखा है वही जवाब वो भी देता है। तो हम इसमें किस तरह उम्मीद करें कि यहाँ कोई तब्दीली आएगी? झूठ झूठ को लोगों ने ईमान का हिस्सा बनाया हुआ है, और जो कौम है, हालांकि हमारा दीन ये कहता है झूठ नहीं बोलना, तो हम दुनिया की एक परले दर्जे की कौम है कि झूठ जब तक हम नहीं बोले तो हम ये समझते हमारा रिजक जो है वो हलाल नहीं होगा। चौके साहब एक बात हो रहा है, यहाँ का जितना भी एक सिस्टम है वो बुरी तरह मुतासर है। तो 2014
कोई तब्दीली नहीं ला सकता और ना 2015 तब्दीली ला सकता है जब तक पढ़े लिखे लोग उनके अंदर वो शऊर पैदा नहीं होता जो तब्दीली लाने वाला होता है। यहाँ हम किस पे उम्मीद करें? यहाँ जो एक सियासतदान तबका है उसने इस रियासत के लोगों को इतना तकसीम किया है, जाट, गुजर, राजपूत और इस तरह की तकसीम जो है, आज ये लोग ये समझ बैठे हैं कि अगर हम अपने कबीले से हट के बाकी लोगों के लिए सोचेंगे तो फिर हम जिंदा नहीं रहेंगे, खुदा ना खासा हमारा रिजल्ट कम हो जाएगा या हम उस जगह नहीं पहुँचे। ये तो हमारी इस यहाँ जो बरादरियों की सोच है इतनी महदूद कर दी गई है कि वो बरादरी से हट के इंसानियत के बारे में सोचते ही नहीं है। तो इसमें तब्दीली, खैर हम लोग मायूस तो नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2014 का जो है ना फिगर, इसमें कोई तब्दीली या बड़ी खुशी या आज तो आप कह रहे हैं जी कि ये कश्मीर की आज़ादी, ये कश्मीर की आज़ादी इन लोगों ने ख़त्म कर दी हुई है, इन्होंने अपने पेट की आज़ादी की सोच रहे हैं, ये कश्मीर से इसका कोई मतलब नहीं है कि कश्मीर आज़ाद होगा। सही, ये टोटल अपने अहल वयाल की बेहतर ज़िंदगी के लिए, चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए, चंद घंटों के लिए ये लोग सोचते हैं, इससे आगे इन्हें कौम का ना ख्याल है, ना मुस्तकबिल का कोई ख्याल है, ना इन्हें यह है कि हमने तरक्की करनी है। या बड़े पढ़े लिखे जब उन्हें कोई नौकरी या बड़ी जॉब मिलती है तो वो इस मुल्क को छोड़ के, डॉक्टर और हमारा इंजीनियर जो है वो इतना बेजार है कि वो दूसरे मुल्कों में जाके नौकरी तलाश कर रहा है। सही, लेकिन बदकिस्मती से कि वही नौजवान पढ़ा लिखा अगर इस मुल्क में, अपने मुल्क में तब्दीली लाना चाहता तो आज यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो चुकी होती और हम लोग भी आज़ाद हो चुके होते। सही। एक सेकंड मतलब साहब, आपके पास आने से पहले मैं जो गैर इंसानी अलामतें इस रियासत में हैं जिनका आपने ज़िक्र किया शौकत साहब, ये मैं समझता हूँ कि ये जो माहौल है ये इसकी बिल्कुल अकासी कर रहा है कि इतनी धूल, इतनी मिट्टी, इतना कचरा और ये एक प्याला जिसको वादी बना कहा जाता है, इस प्याले के अंदर इसके इर्द गिर्द हर जगह से कुदरती पानी, हजूरी बाग, दियाड़ी बाग, बाई नारे और पता नहीं कहाँ कहाँ से इस प्याले के ऊपर के हिस्सों से नीचे तक साफ़ और शफाफ और दुनिया का आला मियार का पानी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये धूल, मिट्टी, कचरा हमें देखने को नज़र आता है। तो जनाब मतलूब साहब, प्लीज़ आप अपनी बात करें, हर आदमी को अपने टाइम में बात करनी चाहिए, ठीक है, और प्लीज़ तनवीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 2014 इस साल की सबसे मुबारक बात पेश करता हूँ। अच्छा, इसके बाद शौकत साहब बात कर रहे थे तब्दीली की, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि कोशिश करने से हालात बेहतर हो सकते हैं, कोशिश करने से हालात बेहतर हो जाएंगे, ये तो हम आस उम्मीद पर खड़े हैं और कायम है कि एक दिन तब्दीली ज़रूर आएगी। क्या इसी साल आएगी कि नहीं? उम्मीद तो है कि इसी साल आएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मेहरबानी जनाब। ये जी, ये मकड़ी के जाल बिछे हुए हैं। बिल्कुल सही है, शुक्रिया।